हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं बीच में आपको वीडियोस नहीं सेंड कर पाई, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। सो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे आपके पास कि जैसे कि यहाँ दिया है इसने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, कि जो अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन है, देखो साइन इनवर्स, इनवर्स साइन का है और अंदर भी क्या है आपका साइन एक्स, वो इक्वल टू किसके हो जाता है, एक्स के। कब होगा ऐसा? व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इट मीन्स जो आपके यहाँ पर इनवर्स फंक्शन की, जो साइन इनवर्स फंक्शन है, जो उसकी रेंज है, ये उसी की रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, उसके बीच से एक्स आपका क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स बनेगा। उसी तरह से फिर है आपका जैसे कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपके टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओपन इंटरवल ध्यान रखना, इसमें क्लोज इंटरवल होता है और यहाँ इसमें ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। देन कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू एक्स होगा व्हेन एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई। सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो सीकेंट किसका होता है, कोस का होता है, रिवर्स कोस का होता है, और कोस 90 कितना होता है आपका, जीरो होता है। सीकेंट 1 बाई कोस होता है, अगर सीकेंट में हमने 1 बाई जीरो रखा तो 1 बाई जीरो तो आपका इन्फिनिटी चला जाता है। तो जो ये x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, ये आपका एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। इसको हमें नहीं लेना होता, हम क्या लेंगे, x बिलोंग टू जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x इक्वल टू x हो जाएगा व्हेन x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, उसी तरह कोसिकेंट साइन का होता है और जीरो पे वो आपका जीरो होता है, इसी वजह से ये क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये है कि अगर आप किसी कोई भी आपका इनवर्स फंक्शन है, अगर अंदर उसी का फंक्शन है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या चला जाता है, उस एंगल के चला जाता है, एक्स के इक्वल चला जाएगा, जब एक्स आपका क्या है, उसकी रेंज से बिलोंग कर रहा, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर यहाँ पर आता है सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो साइन फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो एंगल है उसके अंदर इनवर्स फंक्शन है। पीछे क्या था, इनवर्स फंक्शन बाहर था, एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक वो फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर उस ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू, अब बात आ गई ये किसकी है, साइन की। साइन की रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन, ध्यान देना यहाँ पर ये साइन इनवर्स की रेंज थी, लेकिन यहाँ पर ये किसकी है, साइन की रेंज है, क्लियर है। ऐसे ही कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज देखनी है हमें, साइन की पता रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन, कोस की माइनस वन टू वन, टेंजेंट की रियल नंबर, कोट की रियल नंबर, सीकेंट की रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन, कोसिकेंट की रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन, तो वही लेनी है यहाँ पे। तो इनकी रेंज आ जाएगी इसमें, वो भी डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं। तो ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी लगभग कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज ही हैं, हमें फॉर्मूलाज सभी याद करने होंगे अच्छे से, जब हम रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ पर एंगल देखो नेगेटिव आ गया, ठीक है, हमें पता है साइन ऑफ जो माइनस एक्स होता है, ये है जो आपका साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, हमेशा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका, प्लस कोस ऑफ एक्स होता है, और टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका, माइनस टेन एक्स होता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अब इनवर्स में देखते हैं, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, इनवर्स में क्या होता है, अगर आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स था, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन, ठीक है। फिर कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स,
कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, हमें पता है कि कोस इनवर्स कोस ऑफ माइनस एक्स आपका प्लस का कोस एक्स होता है, तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए हम उसके क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं हमेशा। वही सेम चीज़ क्या की गई है यहाँ पर, क्वाड्रेंट को चेंज किया गया, क्वाड्रेंट क्या कर दिया गया नेगेटिव है, हमें पता है नेगेटिव है जो कोस है वो किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम वैल्यू लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होते हैं वैल्यूज चेंज होती हैं, तो यहाँ इन्हें सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज किया पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। देखो इस तरह से होते हैं ये आपके क्वाड्रेंट्स, जीरो, पाई बाई टू, पाई और थ्री पाई बाई टू। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी वैल्यू को पाई माइनस चाहती है, ठीक है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाती है। तो पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन, उसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई माइनस में कोट इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू आर। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया आपका माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन। देन सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है आपकी, क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये साइन इनवर्स। देखो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी मैथ्स की बुक में प्रूफ भी करके दी हुई हैं, लेकिन जो प्रूफ करना है वो हमारा एग्जाम में बहुत कम आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अब तक तो एक बार भी नहीं आया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के यूज़ ही करते हैं कि क्या दे हूँ, जो फॉर्मूलाज है वही लिखते हैं, उन्हीं को आगे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। देखो साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, हमें पता है साइन का रिवर्स कोसिकेंट होता है और कोसिकेंट का साइन होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, अब वन बाई एक्स का रिवर्स क्या है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन। कोस इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स का क्या हो जाता है, सीकेंट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स का क्या होता है आपका, कोट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब पॉजिटिव वैल्यू है तब तो ग्रेटर देन जीरो, और जब आपकी नेगेटिव वैल्यू है एक्स इज लेस देन जीरो, जब लेस से जीरो से लेस है तब माइनस पाई प्लस में कोट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या बनेगा ये, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपके साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कोस कोस इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू बनता है आपका पाई बाई टू, मतलब इन दोनों का जो टोटल सम है वो कितना जाता है आपका 90, देन एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन। फिर उसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू व्हेन एक्स बिलोंग टू आर। सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू व्हेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन वन। तो आज हम यहीं इन्हीं प्रॉपर्टीज तक करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो एक्सरसाइज है हमारी 2.2। देखिए हाँ जी, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ टू पाई बाई थ्री, क्या दे दिया यहाँ पे इसने, कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ टू पाई बाई थ्री, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। हमने अभी अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रेंज क्या थी, जीरो टू पाई, जीरो से टू पाई, जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू एक्स बनता है। अब यहाँ पे एक्स क्या है आपका, टू पाई बाई थ्री, एक्स क्या है यहाँ पर आपका, टू पाई बाई थ्री है, क्या लिखोगे, सिंस टू पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करता है आपका टू पाई बाई थ्री, सो कोस इनवर्स ऑफ टू पाई बाई थ्री इक्वल टू क्या बन जाता है आपका, टू पाई बाई थ्री, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, हमें जो भी इसका यहाँ पर एंगल दिया हुआ है उसको ये चेक करना है कि वो उसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, अगर वो रेंज से बिलोंग कर रहा है तब आपका जो भी एंगल है, जो भी कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स है वो डायरेक्टली इक्वल टू किसके चला जाएगा, एक्स के, पर ये पार्ट जरूर करना है, ठीक है, ये पार्ट आपको करके दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं
साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री। अब पाई बाई थ्री है, हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और जो आपका पाई बाई थ्री है वो इसी से बिलोंग कर रहा है, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू 90 होता है, पाई बाई थ्री आपका 60 होता है, तो बीच में ही आ रहा है, तो ये उससे बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री। नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थ्री पाई बाई फाइव, थ्री पाई बाई फाइव दे दिया। अब थ्री पाई बाई फाइव ये देखो कि आपकी रेंज में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट कैसे पता लगेगा आपको, हमें पता है कि जो थ्री पाई बाई पाई की जगह अगर हम 180 रखें पाई में फाइव, दैट इज 45, और 45 थ्री सा कितना हो जाएगा 135, हमें पता है 90 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो हमारी साइन की रेंज है, साइन की रेंज हमने ये की थी वो उससे बाहर जा रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थ्री पाई बाई फाइव, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस थ्री पाई बाई फाइव डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम उसका क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं। क्वाड्रेंट किस तरह से चेंज करोगे, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ जो थ्री पाई बाई फाइव है, अब हमें पता है कि जो साइन है ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लाना चाहते हैं तो अगर हम पाई माइनस कर दे तो वो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है, तो यहाँ से कैसे करोगे इसको, पाई माइनस में थ्री पाई बाय फाइव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, तो फाइव पाई माइनस थ्री पाई कितना बचेगा, ये यहाँ पे आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाय फाइव, ठीक है। और हमें पता है टू पाई बाई फाइव बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाई फाइव, ओह सॉरी थ्री था ये, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा टू पाई बाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी उसकी रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है उस रेंज से, तो उसको रेंज में ले आओ, कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे उसका क्वाड्रेंट चेंज करके, क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो वो उसके रेंज में आ जाता है, यहाँ से क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाई बाई सिक्स। अब हमें पता है कि जो 13 पाई बाई सिक्स आपको देख के ही पता लग रहा है कॉस की रेंज क्या होती है, 0 to π से बाहर जा रहा है ये तो आपका, तो इसको रेंज में लाएंगे, रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे हम, क्वाड्रेंट चेंज करेंगे इसका। अब 13 पाई बाई सिक्स है, इसका क्वाड्रेंट देखा हमने कोस है, ये पॉजिटिव आया हुआ है, कोस या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो जो ये वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि आप जो भी प्लस माइनस कर रहे हो उसमें जो आपके पास कन्वर्ट होकर वैल्यू आ रही है वो रेंज से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए या तो पाई बाई टू माइनस करना होता है, पाई बाई टू पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पाई बाई टू माइनस तो नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, हमें पता है कि जब हम हमारा क्वाड्रेंट होता है, मैंने ये बताया था आपको 0 पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू, और दोबारा से क्या आता है यहाँ पर 2 पाई है, अगर हम 2 पाई प्लस करते हैं तो 2 पाई प्लस होते ही ये कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा। तो इस वैल्यू को जो आपकी 13 पाई बाई सिक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस में पाई बाई सिक्स, इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में पाई बाई सिक्स, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हो इसको 13 पाई बाई सिक्स को फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 2 पाई माइनस में 13 पाई बाई सिक्स, हमें पता 6 टू ये तो नेगेटिव चली जाएगी यहाँ से, तो ठीक है इस तरह से करोगे इसको, यही जाएगा इसका 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका नेगेटिव जाने का एक कारण है, रीज़न है कि ये नेगेटिव क्यों आ रही है, वैल्यू तो वही आएगी यहाँ पे माइनस पाई बाई सिक्स आएगी, चलो बता ही देती हूँ उसका भी रीज़न क्या है। हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, कोई भी रोटेशन हमारी ऐसे होती है, अगर हम इधर से बैक जा रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें नेगेटिव जा रही है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट जा रही है उसमें, एक तो ये रोटेशन है एक हमारी, एक बैक रोटेशन कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है उसको, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे थे, तो 2 पाई प्लस में पाई बाई सिक्स कितना बनता है देखना, 12 और 1 13 पाई बाई सिक्स ही बनता है। तो इस 13 पाई बाई सिक्स को आप कैसे लिख सकते हो, ये था हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाई बाई सिक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस में पाई बाई
सिक्स है, तो कॉस टू पाई, कॉस टू पाई पे तो चेंज होगा नहीं, क्या बन जाएगा ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स। अब ये यहाँ पर आपकी क्या है वैल्यू, रेंज में बिलोंग कर रही है, पाई बाय सिक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, सो कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही टेन इनवर्स ऑफ टेन, टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स। अब यहाँ पर एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखोगे, टेन टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, सिंस फाइव एक्स बिलोंग टू, अब जो टेंजेंट की रेंज होती है, टेंजेंट की रेंज क्या जाती है टेन इनवर्स की, आपकी रियल नंबर, बाहर देखो क्या है टेंजेंट है, अंदर इनवर्स है, तो टेंजेंट की तो रियल नंबर होती है, फाइव एक्स क्या है आपका रियल नंबर है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इक्वल टू फाइव एक्स। फिर नेक्स्ट है कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ माइनस पाई बाई फोर। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई है यहाँ पे कोट में आपकी। अब हमने देखा कि जो माइनस पाई बाई फोर है, कोट की क्या रेंज होती है, कोट की होती है यहाँ पर आप कोट इनवर्स की, सॉरी कोट इनवर्स की होती है जीरो टू, जीरो टू पाई, ये होती है कोट की, ठीक है। तो कोट की जीरो टू पाई होती है यहाँ पर आपकी, तो हमने देखा कि माइनस पाई बाई फोर है वो उसकी रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस पाई बाई फोर को किस तरह से करोगे, अगर हम करते हैं नेगेटिव है क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं यहाँ, तो हम इस वैल्यू को नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्वाड्रेंट चेंज करना है नेगेटिव का, तो क्वाड्रेंट ही चेंज होगा, तो हम पाई माइनस करेंगे, ठीक है। देखो ये था हमारा कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ माइनस पाई बाय फोर, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। क्या लिखोगे, सिंस माइनस पाई बाय फोर डज नॉट बिलोंग टू जीरो टू पाई, जीरो से पाई से बिलोंग नहीं कर रहा, सो कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू कर दोगे कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ पाई माइनस फोर, क्योंकि ध्यान दो अगर हम इसको, इसी को हमने इस वे से रिप्रेजेंट किया, कोट पाई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोट कोट ही रहेगा, और माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या जाता है आपका नेगेटिव जाता है, तो उस नेगेटिव को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ से क्या लिखोगे इसको, यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ फोर पाई में से पाई गया कितना बच गया आपका थ्री पाई बाय फोर, और थ्री पाई बाय फोर आपका जीरो से पाई पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री पाई बाय फोर। क्लियर है? देखो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसी को हमें एक दूसरे वे से लिखना होता है, तो उसी को हमने एक दूसरे वे से लिखा है, इसको हम ये आया होगा तभी वो नेगेटिव बना है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, उसी को एक अलग तरीके से लिखना होता है, ठीक है। देखो फिर आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका पाई बाई टू, अभी हमने यहाँ किया था क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका पाई बाय टू, किसके इक्वल होगा पाई बाई टू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेंज ही होती है, तो माइनस पाई ये आगे इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसकी जगह रख दो, तो साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होता है आपका जीरो, ओ सॉरी वन, तो साइन पाई बाई टू कितना होता है आपका वन होता है, तो वन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोस इनवर्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले आप इलेवेंथ में कर चुके हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कोस टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ये बनेगा कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ टू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू टू एक्स, सिंस टू एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट है कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अभी प्रॉपर्टीज में किया था सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका पाई बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू कितना होता है आपका सी, ठीक है।
कर लेंगे, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है आपका, तो जीरो आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव कॉस एक्स प्लस में फोर बाय फाइव साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी करवाया नहीं है, क्वेश्चन आप चाहे तो मैं करवा देती हूँ आपको अभी, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने अभी आपको इसमें करवाया नहीं एक्सरसाइज में, वो फॉर्मूला जब हम करेंगे मैं उसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो अभी के लिए हम ड्रॉप करें उसको, कल या परसों वाली नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये फॉर्मूला आएगा तब हम इस क्वेश्चन को साथ के साथ करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट। प्रूव दैट में फर्स्ट पार्ट है आपका कोट इनवर्स ऑफ वन प्लस कोस एक्स बाय में साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्रूव करना है हमें व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो टू पाई, जब आपका एक्स जीरो से पाई के बीच में है। देखो तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से करना है आपको, क्वेश्चन है कोट इनवर्स ऑफ वन प्लस कोस एक्स बाय में साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो एंड पाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। देख तो बाहर क्या है, कोट इनवर्स है। अब ये देखो वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले किया हुए आपने आप लोगों ने प्लस वन में, और अभी अभी हमने पीछे सेवन्थ चैप्टर में भी किए थे, सेवन्थ चैप्टर किया था हमने वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स आपका क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, वन माइनस कोस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, होते हैं ये फॉर्मूले आपके दो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये आपके। तो यहाँ पे वन प्लस कोस एक्स को किस में चेंज करोगे टू साइन स्क्वायर टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। फिर नीचे है साइन एक्स है, साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, जो साइन टू एक्स वाला फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाय टू इंटू में कोस एक्स बाय टू, टू से टू गया एक कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास कोट इनवर्स ऑफ, देखो कोस एक्स बाय टू बाय में साइन एक्स बाय टू, तो क्या हो गया ये कोट ऑफ एक्स बाय टू। अब हम इसको डायरेक्टली एक्स बाय टू नहीं लिख सकते, पहले हम क्या करेंगे इसकी रेंज चेक करेंगे, यहाँ पे इसने एक्स किसके बीच में दिया है जीरो से, यहाँ तक करने के बाद ये पार्ट आपको जरूर करना है, अगर आपको यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है, हमने पहले एक्स लिया एक्स इज बिटवीन जीरो टू पाई, अब इससे काम नहीं चलेगा, हमारी वैल्यू देखो क्या है एक्स बाय टू है, मतलब एक्स बाय टू की रेंज चेक करनी है आपको, तो एक्स अगर जीरो से पाई के बीच में है तो एक्स बाय टू किसके बीच में होगा, एक्स बाय टू करेंगे तो डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड्स, तो जीरो बाय टू तो जीरो और इधर पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू, इसका मतलब क्या है जो आपका एक्स बाय टू है इज दैट एक्स बाय टू बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, क्योंकि कोट इनवर्स की देखनी है अब हमें, कोट की रेंज जीरो टू पाई जा रही है आपकी, तो एक्स बाय टू वहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिख दोगे सो कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ एक्स बाय टू इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स बाय टू, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड, हमने इसकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली थी इक्वल टू किसके कर दी राइट हैंड साइड। इस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाय में वन प्लस कोस एक्स, जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे ही होगा, साइन एक्स को टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू करेंगे, वन प्लस कोस एक्स को टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू करेंगे, टू से टू जाएगा एक कोस से एक कोस कटेगा, साइन एक्स बाय टू बाय में कोस एक्स बाय टू बन जाएगा आपका टेंजेंट एक्स बाय टू, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स बाय टू इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बाय टू। और हाँ, इस पार्ट को उसी तरह से सॉल्व करने से एक्स बाय टू है, तो जब आप एक्स बाय टू करोगे तो डिवाइड बाय टू जाएगा ऑन बोथ साइड, तो ये कितना बनेगा आपका एक्स बाय फोर, इधर भी एक्स बाय फोर, ठीक है, एक्स बाय फोर एक्स बाय फोर। फिर ये चेक करना है कि अब जो पाई बाय फोर पाई बाय फोर बनेगा, तो पाई बाय फोर आपके वहाँ से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस तरह की आपकी वैल्यूज आती हैं उसी तरह से आपको आंसर सॉल्व करना है इसका, ठीक है। पाई बाई फोर आपका देख सकते हो आप लोग कि जो पाई बाई माइनस पाई बाई फोर आपका माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो वहीं से आ जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर, कर लेंगे, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स बाय में वन प्लस साइन एक्स। तो अब देखो पीछे तो साइन एक्स था तो हमने उसको डायरेक्टली क्रैक कर लिया था, बात आती है अगर कोस एक्स और वन प्लस साइन एक्स आया हुआ है इस तरह के पार्ट में किस तरह सॉल्व करोगे, ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स बाय में वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू करना है हमें पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू
when x is between माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है, देखो फिर ये दिया हुआ है टेन इनवर्स x, कोस x है. अब कोस x के लिए हम फॉर्मूला खोलेंगे. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस टू एक्स का, होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पे कोस x है, कोस x का फॉर्मूला खोलोगे आप लोग कोस स्क्वायर x बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर x बाय टू. ठीक है, बाय में वन प्लस साइन एक्स है, वन प्लस साइन एक्स को कैसे लिखोगे, वन को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में टू साइन एक्स बाय टू इंटू में कोस ऑफ एक्स बाय टू. इस तरह से खोल दिया. आप एंगल चेंज करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. कॉस ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स रख के, मतलब क्वाड्रेंट इनके चेंज करके, उसको साइन में चेंज करके, इसको कॉस में चेंज करके, फिर उनका वो जो हमने पीछे बैक में फॉर्मूला खोला था उस तरह से खोल के भी आप लोग इसको कर सकते हो एक्सपेंड करके, और इस वे से भी कर सकते हो. आपके पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया टेन इनवर्स. अब कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू. नीचे ये क्या है आपका, देखो उस ऊपर वाले को तो लिखा हमने कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और एक टर्म लिख दी इसकी कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू. ठीक है, और नीचे क्या बना दिया इसका कॉस ऑफ एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है, अब एक पॉजिटिव टर्म से एक पॉजिटिव टर्म गई, ये बच गया आपका. करना क्या है, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा ये टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन एक्स बाई टू और वन प्लस टेन एक्स बाई टू. ये आ गया. अब ये फॉर्मूला होता है हमारा, हाँ जी है कुछ दिमाग में, टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, यही फॉर्मूला होता है. अब बात आ गई टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स की, बात आ गई वही रेंज की. अब रेंज को किस तरह से सॉल्व करना है ये देखो. एक्स है हमारा बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाय टू. ठीक है, अब पाई बाई फोर माइनस एक्स है, हमें ये सेम क्रिएट यहाँ पे करना है. ठीक है, तो पहले क्या करोगे, डिवाइड बाई टू करोगे, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर एंड एक्स बाई टू इज बिटवीन पाई बाई फोर. अगले स्टेप में पाई बाई फोर माइनस है तो दोनों तरफ क्या करोगे, पाई बाई फोर से माइनस करेंगे. ठीक है, अब पाई बाई फोर से माइनस करना है, उससे पहले देखो एक चीज़ है यहाँ पर. अब यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन क्रिएट करना है बीच में, क्योंकि हम डीए नहीं है, ये डायरेक्ट पाई बाई फोर माइनस कर देंगे, पहले नेगेटिव साइन को लाएंगे यहाँ पे. ठीक है, इस नेगेटिव साइन को अब आपको पता होगा, आपने इनइक्वालिटीज़ में पढ़ा है इलेवेंथ क्लास में, कि जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, तो वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाती है. तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन गया, प्लस का पाई बाई फोर, ये ग्रेटर का साइन, माइनस का एक्स बाई टू, ये ग्रेटर का साइन, माइनस पाई बाय फोर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पाई बाई फोर माइनस करना है, पाई बाई फोर रखना है प्लस का यहाँ पे, तो दोनों तरफ पाई बाई फोर ऐड करेंगे. तो जब हमने इसमें पाई बाई फोर ऐड किया, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना बन गया, पाई बाय टू, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू ग्रेटर देन, यहाँ क्या बनेगा, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर जीरो. इसी को देखना, मैंने थोड़ा सा दोबारा लिखा है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है, ये ग्रेटर है लेस इससे है, मतलब ये ग्रेटर है किससे, जीरो से, बट लेस देन पाई बाय टू. ठीक है, इस वजह से लिख दिया, मतलब हमें यही चाहिए था, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू चाहिए था जीरो टू पाई, और हमें पता है टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, विच बिलोंग्स टू, जो टेंजेंट इनवर्स की होते हैं, इनवर्स होता है टेंजेंट का, उसकी रेंज क्या हो गई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू, उससे बिलोंग कर रहा है ये. तो क्या आ जाएगा आपका, सो टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू इक्वल टू क्या आएगा आपका, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू. क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों ने सेवन चैप्टर में भी मैंने आपको करवाई थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ आई थी, तब भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था, लेकिन अब अच्छे से बता रही हूँ आपको पूरा खोल के, तो ध्यान से समझना इसको. क्लियर है, ये वही करनी है अगर आपको रेंज दी हुई है, अगर रेंज नहीं दी हुई फिर वहाँ पे आपको ये सॉल्व नहीं करना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इसका
फोर्थ पार्ट है इसका टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कोस एक्स बाय में वन प्लस कोस एक्स, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। रूट है वन माइनस कोस एक्स होता है आपका टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू गया साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन गया, टेन स्क्वायर से रूट गया तो टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू बच गया, तो डायरेक्टली एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है, सीकेंट एक्स को लिखोगे वन बाय में कोस एक्स, इसको लिखोगे साइन एक्स बाय में कोस एक्स, तो ये वही बन जाएगा आपका, जब एलसीएम लोगे तो कोस एक्स ऊपर आएगा वन प्लस साइन एक्स नीचे आएगा कोस एक्स, इसी का रिवर्स जाएगा तो इसी तरह से सॉल्व होगा बिल्कुल ये। ठीक है, सेम जाएगा ये बनेगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट है इसका टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस में रूट ऑफ वन माइनस एक्स बाय में रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस में रूट ऑफ वन माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू में देखो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू ऑफ कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपका कोस इनवर्स आया हुआ है, मतलब क्या है, इस एक्स को देखो, इस एक्स को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स को अगर मैंने मान लिया कोस ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ एक्स, ये जाएगा, अगर एक्स को कोस थीटा लिया तो थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, तो ये आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन जो है हमारा टेंजेंट वन प्लस एक्स है ना, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे कोस थीटा, यहाँ लेट कर लेंगे कि एक्स इक्वल टू कोस थीटा, ये आ गया माइनस में वन माइनस में कोस थीटा, नीचे है इसी तरह से वन प्लस कोस थीटा और प्लस में है रूट ऑफ वन प्लस और सॉरी वन माइनस कोस थीटा, इस तरह से अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, हमें पता है वन प्लस कोस थीटा क्या होता है आपका, अरे अभी अभी किया था हमने टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये चेंज होगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू में, इस तरह से टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू और ये चेंज हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। देखो दोनों से क्या करोगे, ऊपर से भी रूट टू कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी रूट टू कॉमन आएगा, यहाँ से भी रूट टू कॉमन आएगा, ये कट जाएंगे, फिर जो जैसे ये कट गया कोस स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कट जाएंगे सारे, ये किस तरह से आ जाएगा मैं आपको, वीडियो लेंथी होगी इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ थोड़ा सा, ये बन जाएगा आपका कोस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू, और उसी तरह से नीचे भी बन जाएगा कोस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। ठीक है, इस तरह का पार्ट हमने पीछे भी किया था ना, ये इसके नीचे जाएगा तो वन माइनस टेन थीटा बाय टू, वन प्लस टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू आ जाएगा। क्लियर है, उसको सॉल्व करोगे जहाँ पे थीटा आएगा थीटा की जगह फिर कोस इनवर्स एक्स रखोगे। क्लियर है, कर सकते हैं सभी, तो आपको थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट तक, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो यहीं तक करोगे सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करो या आप कॉल करो।